चंद्रनी बिछे ओ मैं चंद्रनी बिछे ओ मैं चंद्रनी बिछे ओ मैं चामुंडाई बिछे आप सबके भीतर बैठी हुई माता रानी को, भगवान को, ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे दोस्तों, आप अच्छे साधक बन गए हो। आपके ईमेल से, आपके क्वेश्चन ये बताते हैं कि आप सच में आध्यात्मिक सफर में, रूहानियत के सफर में, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे आगे चल रहे हो। अभी शिवरात्रि आ रही है 10 दिन में, और शिवरात्रि साधना का दिवस है। शिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन का दिवस है। साधक लोग शिवरात्रि का इंतजार किया करते हैं। शिवरात्रि की रात्रि को सभी देवी देवता सूक्ष्म रूप से स्पिरिचुअल पावर्स जागृत अवस्था में होती हैं। ये भगवान का विवाह का दिवस माना जाता है। जैसे हम पिछले कुछ दिनों से शिव शक्ति की साधना की बात कर रहे हैं, तो ये उनके मिलन का दिवस है। जैसे हमारे परिवार में, हमारे घर में कोई शादी का पर्व होता है, कोई खुशी का फंक्शन होता है, तो रूठे हुए रिश्तेदार भी डांस करने लगते हैं। इसी तरह से ये भगवान शंकर की, माँ पार्वती की, शिव शक्ति की वेडिंग एनिवर्सरी एक ऐसा पर्व, एक ऐसी स्थिति का पर्व जिसमें सभी शक्तियाँ प्रसन्न होती हैं। तो आज हम इसका लाभ कैसे साधना में उठाया जा सकता है, खास करके हीलिंग में। आप कोई कमाई करते हो, आप साधना करते हो, आप ध्यान करते हो, आप मेडिटेशन करते हो, इसमें ऐसी स्थिति चाहिए कि आपका भी भला हो, समाज का भी भला हो, आपके परिवार का भी भला हो, आपके देश का भी भला हो। ऐसी सिचुएशन में आपको लाना है आपको। और कुछ लोगों के ऐसे सवाल के उनसे हीलिंग हो नहीं पाती है, हीलिंग कभी कभी अफेक्ट नहीं करती है। दोस्तों, जो मंत्र है ना, बीज मंत्र है, एम हरीम क्लीम चामुंडा विचे का जाप आदरणीय पंडित जी से आप सुन रहे थे। क्लीम कालिकाए नमः बीज मंत्र है, वम रूम बीज मंत्र है, हस काला हरीम हरीम जो है बीज मंत्र है। तो बीज का कोई अर्थ नहीं होता है। आप लोग कभी कभी इसके पीछे पढ़ते हैं इसका मीनिंग क्या है। बीज का अर्थ नहीं होता है। बीज अपने आप में बहुत सारे रहस्य समेट के बैठा होता है।
प्रत्येक बीज में एक पेड़ छिपा होता है, एक ट्री छिपा होता है। उस पेड़ में हजारों ट्री छिपे होते हैं, हजारों में फिर लाखों करोड़ों छिपे होते हैं। बीज का कोई मीनिंग नहीं हम कर सकते, बीज की पहचान कर सकते हैं कि ये आम का बीज है, ये जामुन का बीज है, ये अमरूद का बीज है, ये गेहूं का बीज है, ये मकई का बीज है। इसी तरह से हमारे ऋषियों ने हमें बीज मंत्र दिए, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग मंत्र। और ध्वनि की अपनी एक साइंस है, ध्वनि के द्वारा बहुत कुछ सिद्ध किया जा सकता है। हम छोटे छोटे कामों में भी ध्वनि का उपयोग करते हैं। आपने कभी दरिया पार किया हो नाव के ऊपर, कभी गंगा जी को पार किया हो, किसी और नदी को पार किया हो, आपने देखा होगा जैसे जैसे कहीं नदी उफान में हो जाती है तो वो गाना मलाह जो होता है, नाविक होता है, गाने लगता है। तो उसकी गाने में एक विशेष धुन होती है और उस विशेष ध्वनि से उससे विशेष ध्वनि पैदा होती है और नदी को पार कर लेता है। आप कभी देखें, अभी तो क्रेन आ गई, पुराने 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 जमाने के जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई हैं, क्विंटल्स के जो पिरामिड पत्थर रखे हुए हैं, कैसे इतनी दूर गए होंगे। तो उस तब भी ध्वनि विज्ञान बहुत विकसित था। तो ध्वनि के द्वारा जब कच्ची ध्वनि पैदा होती है, विशेष ध्वनि पैदा होती है, तो विशेष शक्ति पैदा होती है। उस विशेष शक्ति से आप बहुत कुछ कर सकते हो। आज भी आर्मी में सबको ऑर्डर दिया जाता है कि जैसे आर्मी वाले परेड करते हुए गुजरते हैं, ध्वनि करते गुजरते हैं, तो उनको ब्रिज के ऊपर से कहा जाता है कि आराम से गुजरना, क्योंकि ब्रिज टूटने का डर होता है। जैसे हम मंत्रों की ध्वनि करते हैं, ये ध्वनि हमें भगवान ने स्वयं दी है, ऋषियों ने, मुनियों ने, पीरों ने, फकीरों ने दी है, सिद्ध महापुरुषों ने दी है। उस ध्वनि मात्र से ऐसी गूंज पैदा होती है, ऐसी एक विशेष स्थिति पैदा होती है, उस और अलग अलग अर्थों में अलग अलग रेजेज रखती है, लाती है, और उससे अलग अलग बीमारियां जो है ठीक हो जाती हैं। इसलिए आप साधना करेंगे, आपको साधना से ही लाभ होगा। एक बात गुरुजी बताते थे, मुझे याद आ गई, साधना का लाभ किनको नहीं हो पाता। एक किसी गांव में बड़े गुरुजी गए, कभी महापुरुष गए होंगे, गांव में जैसे कोई संत महात्मा गांव में आते हैं, भंडारा हुआ, पूजा पाठ हुआ, सब लोगों ने अच्छी तरह पूजन किया। दो व्यक्ति आए, गांव में खेती होती है, किसान थे, बोले गुरुदेव हमें दीक्षा दो, हमें गुरु मंत्र दो। गुरुजी ने कहा जो पहले से तैयार व्यक्ति थे उनको दे दिया, अभी तो मैं नेक्स्ट आऊंगा तब आपको दूंगा। बोले कोई आशीर्वाद दे दो। उनके पास ऐसे गेहूं पड़ी थी, गेहूं की दो पोटली बनाई, ऐसे छोटे कपड़े में बांधी, बोले ये ले लो, जब कभी मैं वापस आऊंगा तो आप मुझे वापस देना, इसको संभाल के रखना। बोले अच्छा। एक व्यक्ति ने उसको बढ़िया से डिब्बे में पैक किया, पैक करके और पैक किया, संभाल के रख लिया। दूसरा जो था उसने बोला गुरुजी तो मांगेंगे जब आएंगे, तुझे तो खराब हो जाएगी गेहूं। उसने खेतों में लगा दी गेहूं थोड़ी सी। गुरुजी 10 साल बाद आए, उसने जो मिला फिर लगा दी, जो मिला फिर लगा दी। 10 साल बाद जब गुरुजी आए, दोनों शिष्य मिले, बोले गुरुजी मंत्र दो। तो पहला शिष्य था तो गया, बोले गुरुजी मंत्र दो। उसने पोटली, गुरुजी ने कहा कि पहले मैंने जो आपको गेहूं दिए थे वो मुझे वापस दो। उसने पोटली खोली, निकाला, उसमें कीड़े पड़े हुए थे, गेहूं गल चुका था। गुरुजी चुप रहे। दूसरे को बोला बेटे आप दिखाओ।
बोले गुरु जी मेरे साथ आपको जाने के लिए मैं ला नहीं सकता, जहाँ मेरा जो भंडार है जो स्टोर है उसमें सब गेहूँ पड़ी है। गुरु जी समझ गए, देखा तो क्विंटल गेहूँ वहाँ पड़ी हुई थी। बोले अभी भी नहीं आते, अभी भी मैं सारी लगा देता। इसी ये कहानी काल्पनिक हो सकती है, पर हमें बताती है कि जो लोग मंत्र ले लेते हैं गुरु से, साधना ले लेते हैं गुरु से, फिर उसको अपने मुताबिक एडजस्ट करते हैं। आज मेरा मन नहीं किया, मैं नहीं बैठ सका, आज मैंने लेटे लेटे पूजा कर ली, आज मैंने गाड़ी चलाते चलाते जाप कर लिया, आज या मैंने सोते सोते जाप कर लिया। तो वो उसी किसान की तरह है जिसके बीज को कीड़े पड़ गए थे, खत्म हो गया। और जो करते हैं वो पाते हैं, उससे बीज मंत्र के जाप से आपका संकल्प सिद्ध होता है। संकल्प से जैसे इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, तीनों शक्तियां का जो बैलेंस बनता है, इन तीनों शक्तियों को आप मन वचन कर्म भाव से जोर लगाते हो तो आपकी जो बात है बन जाती है। इसलिए जो भी आप सीखते हो उसको अच्छे ढंग से करना। आज आपसे शिव शक्ति से हीलिंग कैसे ली जाती है, आप 5-10 दिन उसकी प्रैक्टिस करेंगे और शिवरात्रि की रात्रि को 2-3-4 घंटे जितना भी आप जाप कर सकते हैं करें। रोज सोते हो उस दिन जग लेना, तो आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा और आप एक अच्छे हीलर बन जाओगे, जो दूसरों का भला भी करोगे अपना भला भी करोगे। ब्रीफ में बता दो, पूरा नहीं बता पाओगे हीलिंग से बता दो। Guruji welcomes the divine within all of us, and he highlights that Shivratri is coming up. This is the wedding anniversary of Shivji and Bhagwati ji. In this Shivratri, Guruji asks that we focus on our own well-being, of course, but also on the well-being of the world. Guruji goes on to explain that a Bij Mantra, we cannot analyze its meaning, but we can know its purpose and use it to realize that purpose. He explains that the sound of mantras is direct from the spiritual masters, from God, from the positive energies of the world, and that the vibrations of those sounds bring healing in our physical, mental, and of course spiritual well-being. Guruji told a brief story about two shishyas who met their guru and they asked him to give them a mantra, and he said that I don't have time right now, but what I will do is give you seeds. So he gave one student seeds and he gave the second student seeds as well. The guru did not come back to see his shishya for 10 years. But when he did come back, he asked each shishya or each student for the seed that he had given them 10 years ago. One of the students had saved the seed in a box. So when the guru opened that box, that seed had ants or insects in it. The seed was destroyed. The other shishya had used that seed to grow more plants and turn that seed into many, many, many more seeds. So what Guruji, the purpose of the story is that when students take mantras from their guru, but then don't use those mantras according to the teachings of their guru, those teachings, you cannot realize the true potential of those teachings. It's important to follow those teachings from your guru according to the process that they tell you. That will increase your Ichha, Gyan, and Kriya Shakti. Ichha Shakti, Gyan Shakti, Kriya Shakti. Ichha Shakti, beta, man mein bhavana aana, ichha paida hona. जैसे हमारी कोई इच्छा पैदा होगी संकल्प की, तो फिर ज्ञान हासिल कर उसका प्रोसीजर है। आपको लगे कि मुझे इस कार्य को करना है, मान लो आपको लगता है मुझे वकील बनना है, तो वकील बनने के लिए पूरी ट्रेनिंग लेना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना। डॉक्टर बनने की इच्छा है, डॉक्टर बनने की कला सीखना। बिजनेस करना है, बिजनेस की कला सीखना। क्रिया शक्ति उसको प्रैक्टिकल रूप देना। और जैसे इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति बेटा प्रैक्टिकल रूप हो जाता है, फिर स्पिरिचुअल शक्ति साथ में आती है, आपको कहीं पे कहीं ले जाती है। And ichha shakti is having the strength to know what you want, to have that feeling. Gyan is to go out there and seek the knowledge to be able to put into practicality, which is kriya, of what you are actually looking for. And in closing, Guruji emphasizes that as we are leading up to Shivratri, he will now teach us today on how to take healing from Shivji and from Shiv Shakti,
and practice that, especially in the days leading up to Shivratri. The day of Shivratri, it's very important that you spend at least 3 to 4 hours in meditation. Sadhana aapko kahin ka kahin le ja sakti hai, par jaise kisi gande bartan mein कोई खाना डालेंगे, दूध डालेंगे, दही डालेंगे, वो खराब हो जाएगा, फूड पॉइजन करेगा, बीमारी करेगा। इसी तरह गंदे मन के भीतर मंत्र का प्रवेश होगा तो मंत्र फलीभूत नहीं होगा। गंदे शरीर के अंदर साधना का प्रवेश होगा तो साधना बड़ी फलीभूत नहीं होगी। जब तक आप सर्व मंगल, सभी का मंगल नहीं सोचते हो, जब तक आप सभी का भला नहीं सोचते हो, जब तक आप बिल्कुल आनंद से भरे नहीं रहते हो, तब तक आप हीलर नहीं बन सकते। आप हीलिंग के लिए इतना ज्ञान चाहिए, इतनी श्रद्धा विश्वास चाहिए। अभी अभी किसी से आपका झगड़ा हुआ, आपको लगा बीमार हो गया, आप हीलिंग से ठीक कर सकते हो, तो बात बनती है हीलिंग की। आप रुगन से, अंदर से, बीमार से, शिकायतों से भरे हुए, कंप्लेंट से भरे हुए, अपने सारे दोष दूसरे के ऊपर धरने वाले, फिर आप हीलिंग नहीं दे सकते, ना ले सकते हो। आपके मन में क्षमा मांगने की शक्ति, कहते जो क्षमा मांगता है बहुत बलवान होता है, जो झुकता है और बलवान होता है, क्षमा करने वाला महाबलवान होता है। आप क्षमा मांगने की शक्ति, क्षमा करने की शक्ति आप में जब पैदा होती है, तब आप रियल हीलर बनते हो। आप साधना करते हो, आप देखेंगे कि एक साधक 10 साधक को हील कर सकता है, 10, 100 को, 100,000 को। सभी जगह सतयुग जैसा माहौल आ जाता है, सभी जगह आप मानसिक बीमारियों से तो निकल ही जाते हो। और जैसे जैसे हम सामूहिक साधना करते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर बहुत बलवान होता है, उससे भी हम बीमारियों से बचते हैं। पर इसको श्रद्धा से, विश्वास से, मन से, वचन से, कर्म से, भाव से करना। और आज साधना करने से पहले 2 संकल्प जरूर लेना। पहला संकल्प कि मैं बहुत ही पुण्यशाली, शक्तिशाली, प्योर सोल हूँ। पुण्यशाली, शक्तिशाली, बहुत प्योर सोल हूँ। हम उस माँ भगवती के बेटे हैं, माँ भगवती की बेटियाँ हैं, हम गलत कैसे हो सकते हैं। कोई मन में हीन भावना हो, कोई गलती हो, तो जान लेना के क्षमा मांग लेना। दूसरा कि मेरे साथ माँ भगवती, मेरी माँ भगवान शिव सदा मेरे साथ में है। जैसे एक छोटा बच्चा माँ बाप को महसूस करके खुश होता है, वो खेलता है पर खेल के दायरे से निकलता नहीं है, कहीं गलती से निकल ले तो माँ बाप वापस ले आते हैं। मैं उस शिव शक्ति का बेटा हूँ, उस शिव शक्ति का पुत्र हूँ, मेरे गुरु की शक्ति, मेरे गुरु मेरे साथ हैं, इस बात पे प्राउड फील करना। और जब जागो तभी सवेरा, अभी आप जग गए, अभी से आपकी बात शुरू हो जाएगी। इन 2 चीज़ों को करना। और फिर कभी जैसे 7 चक्र हैं, 7 चक्र के 7 संकल्प अलग से हैं जो आपको और आगे ले जाते हैं, उनके बारे में फिर कभी बात करेंगे। आज आपको भगवान शिव की हीलिंग, शिव शक्ति की हीलिंग कैसे देनी है दूसरों को, अभी बहुत ज़रूरत है। कहीं कोई मेंटली परेशान है, कहीं कोई फिजिकली परेशान है, पहले अपने ऊपर तजर्बा करो, फिर दूसरों को दो, उसमें आप जरूर सक्सेस होंगे। उंगलियों के जो पोर हैं ना, इन पोर से हमारे अंदर शक्ति प्रवेश करती है। नेगेटिव को भी हम यहीं से लेते हैं, पॉजिटिव को भी लेते हैं। जब भी अपने गुरु के चरणों को स्पर्श करो तो जो पांव का अंगूठा है, अंगूठे से अच्छी रेचे मिलती हैं, उनके अंगूठे को टच करने की कोशिश करना, अंगूठे पे से रखने की कोशिश करना, वहां से आपको बहुत अच्छी रेचे मिलेंगी।
अभी अपनी क्लीनिंग करेंगे, विरेचन क्रिया करेंगे, सभी साधना से पहले बहुत जरूरी है। क्लीं कालिकाय नमः, 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 कालिकाय नमः, क्लीं 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 कालिकाय नमः। स्लोली स्लोली मन में जाप करें। ऐसी भावना करें आपकी आज्ञा चक्र से रेजेज सेवन चक्रा को क्लीन कर रही है, फर्स्ट चक्रा को, सेकंड चक्रा को, थर्ड चक्रा को, फोर्थ चक्रा को, फिफ्थ चक्रा को। अभी आज्ञा चक्र से रेजिश पूरे बॉडी को एक बार से क्लियर कर रही है। मन में भावना करें आपके मन से, आपकी बॉडी से सब नकारात्मक बाहर निकल रहा है। मन में जो गांठ पड़ी हुई है दूसरों के बारे में, किसी ने मुझे कुछ कह दिया, भूल नहीं पा रहा हूँ, किसी को सबक सिखाने का सोच रहे हो, कोई आपको सबक सिखाने का सोच रहा है, सभी चीज़ों को एंड कर दें। इस कार्मिक अकाउंट को यहीं पे एंड कर दें, ये बढ़ता जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। Shakti Kriya Mudra bata do. Now let's do the Shakti Kriya Mudra. Place your middle finger and ring finger over your eyes. Your pinky should be touching your cheek and your index finger should be touching your forehead. And use your thumbs to gently close your ears. Keep your back straight. And slowly take your hands back, open your eyes, look at your hands, rub them together, touch your third eye, spread the healing. Meditation करने से आपके मन को बहुत शक्ति मिलती है। मंत्र का मीनिंग ही है
मन को तरान करने वाला, मन की शक्ति का विकास करने वाला। मन बीज है और जो हम खाते हैं वो भी बहुत डिपेंड करता है हमारे मन में कैसी भावना होगी। जथा अन्ने तथा मने, जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन बनेगा। अन्न बहुत, कमाई बहुत, ईमानदारी की होनी चाहिए। तो जो भी खाना आप रसोई में बनाते हो, जो भी खाना बनाते हो, तो जब भी किचन में जाएं, रसोई में जाएं, तो बोले भगवान का कार्य करने लगे हैं। कोई मेहमान आ गया तो खुश होके चाय पिलाएं, उसको जूस पिलाएं, खाना खिलाएं, ऐसा सोचें जी फिर आ गया चाय बनानी पड़ेगी, उससे अच्छा है ना पिलाएं। आप परिवार के लिए भी ऐसा ही करें, खुशी खुशी खाना बनाएं, उसका जो मन पे प्रभाव पड़ेगा उससे मन बहुत प्योर होगा। अभी अभी ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए कि जो लोग मेडिटेट करते हैं, मंत्र साधना करते हैं, उनका बीमारियों का असर कैसे होता है, जो नहीं करते हैं कैसे होता है। आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, जैसे आप घर में ट्री लगाते हो, प्लांट्स लगाते हो, सब्जी लगाते हो, 5 मिनट मंत्र जाप करें, 5 मिनट के बाद जब उनको पौधों को पानी देने लगे तो पूर्ण रूप से पौधों को प्यार करते हुए और मंत्र जाप करते हुए उनको पानी दें। सुबह भी देखें उनको, शाम को भी देखें। अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो कोई 4 प्लांट, 10 प्लांट, 5 प्लांट अलग से रख लें, 5 के साथ ऐसा करें, दूसरे सेम प्लांट जो हैं उनके साथ नहीं करें। आप देखेंगे कि वो आपके प्लांट्स बहुत अच्छे हो गए, जिनको आप प्यार कर रहे थे, जिनको आप मंत्र से पानी दे रहे थे, जिनको आप ध्यान की शक्ति दे रहे थे। आप देखेंगे कि उन पौधों को बीमारियां भी नहीं होंगी। इसी तरह से जब आपने इंसान को हीलिंग देनी है, खुद को हीलिंग देनी है, तो भी ऐसी ही स्थिति होगी। तो उसके लिए मन से बहुत मंगलमय की भावना होनी चाहिए, मन से गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा होनी चाहिए, जिनसे आपने सीखा है, जो आपके गुरु हैं, जिन्होंने आपको मंत्र दिया, जिन्होंने आपको जीवन दिया, और सामने वाले के प्रति भी बहुत अच्छी भावना होनी चाहिए। साथ में अपनी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। अपनी प्रोटेक्शन जब तक नहीं होएगी, कभी कभी नेगेटिविटी आपके ऊपर वापस आ सकती है। और जो साधना है, ध्यान है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ताकत देता है। और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारा सबसे पावरफुल है, वही सब कुछ करता है। जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, उसी के पास पूरी पावर है, वही पकड़ के रखता है। और ध्यान से मन आपके कंट्रोल में आता है, सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल होता है, आपके कंट्रोल में आता है, आपने उससे काम कैसे लेना है ले सकते हो। तंत्र विज्ञान के हिसाब से माइंड 4 प्रकार का होता है, चेतन मन, अवचेतन मन जिसको आप सबकॉन्शियस माइंड बोलते हो, कलेक्ट्रो माइंड और कॉस्मिक माइंड। आमतौर पे साइंस कलेक्ट्रो माइंड का कॉस्मिक माइंड की चर्चा नहीं करती है। तो कलेक्ट्रो माइंड जो आपका संकल्प है उसको एकत्र करके लाता है, कलेक्ट्रो माइंड आपकी चाहत को पूरा करता है, चाहे वो चाहत परमात्मा के चरणों में जाने की है, चाहे चाहत दुनिया के सुखों की है, चाहे वो चाहत किसी का भला करने की है, चाहे वो चाहत देश के लिए कुछ करने की है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका संकल्प कितना दृढ़ होगा, कितना मजबूत होगा, उतनी बात बनेगी। So he explains that by meditating, our mind gets a lot of strength. He explains that an experiment that we can do to see this, for example, in our gardening. So you could separate some plants in your garden and you do mantra jap while taking care of them. And another set of plants where you don't do that, and you would see a difference in the plants that
you do mantra jap and you offer them water when you take care of them. He highlights that when we are giving healing, first of all, to be a good healer, the first prerequisite is that we are in a state where we think not only just of our well-being, but also of everyone's well-being, the whole world's well-being. Only then can we become good healers. But it's very important that when we give healing, we do it with love and devotion to our guru, and also to the person that you are giving healing to. And also keep your own protection in mind, otherwise the negativity can come back and affect you as well. Meditation strengthens our subconscious mind so that we can use our mind as a tool in the best way possible. And he highlights that there are four different kinds of mind in Eastern spirituality. There's a conscious, subconscious, collective, and cosmic mind. आपने महाकाली जी के मंत्र का जाप किया, क्लीन काली का नाम है। अभी हेल्थ की हीलिंग के लिए, मेंटली हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के लिए भगवान शंकर जी का मंत्र है, ओम हौम जूम सह। अभी हम इस मंत्र का जाप करेंगे, आप भी सभी इस मंत्र का जाप करना, ओम हौम जूम सह। और क्लीन काली का नाम आपने पहले कर लिया, शिव शक्ति का दोनों मंत्र हो गए। शिव शक्ति की कृपा से इन्हीं मंत्रों को हील करें तो जो तीन चार चीजों के लिए ये मंत्र चमत्कार करते हैं। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट होगा, इसमें लाभ मिलेगा, तो फिर आपको नेक्स्ट भी बता सकते हैं। अभी हम ओम हौम जूम सह मंत्र का जाप करेंगे। ओम हौम जूम सह, 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 ओम हौम जूम सह। थोड़ा फास्ट करेंगे। मन में इस मंत्र का जाप करते रहे अपने थर्ड आई पे, आज्ञा चक्र पे, अपने इष्ट का भगवान शिव का महाकाली जी का ध्यान करें। Listen to the sound of the mantra from inside your mind. And visualize your Isht Devta, Shivji, whomever it may be, on your third eye.
आँख नहीं खोलेंगे। अभी आप ध्यान दें कि आपने कहाँ पे हील करना है, बॉडी के किस पार्ट को हील करना है। जितने भी बॉडी के पार्ट हैं वो छह चक्रा के अधीन आते हैं। While keeping your eyes closed, now focus on the part of your body where you want to receive, give healing to. मान लीजिए आप पेट से, लिवर से, किडनी से रिलेटेड किसी को भी हील देना, हीलिंग करना चाहते हैं, बैक पेन के लिए हील करना चाहते हैं, तो आपको नाभि चक्रा के द्वारा उनको हीलिंग देनी होगी, उनके नाभि चक्रा को स्ट्रॉन्ग करना होगा। For any ailments related to the stomach or abdomen area or your back or anyone's back, you should focus on the nabhi or belly button chakra. Healing dene se pehle, lene se pehle, agar possible ho, to kam se kam 15 baar 20 baar gehri saans lein, gehri saans ko choden, gehri saans ko lein, गहरी सांस को छोड़ें। अभी आपने सेल्फ हीलिंग लेनी है तो अपनी रेजिज को अपने नाभि चक्रा पे भेजने की कोशिश करेंगे और रेजिज को घुमाने की कोशिश करनी है। जैसे चक्रा भी घूमते हैं तो आपको भी नाभि से लेके पीछे तक, बैक तक, पूरे पूरे एरिया में रेजिज देने की कोशिश करना है अपने आप को। अगर दूसरे व्यक्ति को देनी है, उसके फेस को सामने ले आए और जो फेस है वो फ्रेश जाइए, दो चार महीने की पुरानी पिक्चर हो चल सकता है। आपने जहां पे उनकी पिक्चर को लाना है धीरे धीरे उनको फर्स्ट चक्रा से सिक्स चक्रा तक हीलिंग देनी है। इसको दोस्तों आप एक्सपेरिमेंट के लिए रख सकते हो, ये डिपेंड करता है कि आपकी साधना की शक्ति कितनी है, आपने कितनी कमाई किया है। आपने $5,000 बैंक में रखा है तो 5 का चेक काट देंगे पास हो जाएगा, और 10 का काट दिया तो नहीं पास होगा, $2 भी ज़्यादा कर देंगे तो नहीं पास होगा, अच्छा व्यवहार होगा तो वो ड्राफ्ट हो जाएगा। इसी तरह आपके इष्ट, आपके गुरु की शक्ति जानती है कि कैसा साधक है। अगर साधना वाले हो तो वो ड्राफ्ट भी हो जाएगा। मान लो आज ही हीलिंग देनी है, आज ही मंत्र किया तो बात नहीं बनेगी, कुछ तो फर्क पड़ेगा, पर रोज की साधना से फर्क पड़ेगा। आप उनकी, उनके फेस को, उनकी पूरी बॉडी को अपने सामने लाएं धीरे धीरे, फर्स्ट चक्रा से सिक्स चक्रा तक रेजिज दें। He explains that for giving or receiving healing, it's helpful to do deep breathing 15 to 20 times. And as you are doing that healing, for example, if it's your nabhi or belly button chakra, picture that you picture the energy like a spinning wheel, spinning in a circular motion. Guruji explains that sadhana is like a bank account. You deposit when you do meditation every day and you withdraw when you're doing healing. So in this moment, as you're sending healing to a loved one, picture their face,
visualize their face, and one by one give healing to each of their six chakras. अपने आज्ञा चक्र से मंत्र करते हुए मन में ओम ओम जूम सह पहले क्लीन कालिकाय नमः से जैसे सेवन चक्र को क्लीन किया आपने इसी तरह नाभि चक्र को क्लीन कालिकाय नमः मंत्र मन में पढ़ते हुए माँ से शक्ति लेकर के गुरु से शक्ति लेकर के उस शक्ति को अपने द्वारा ट्रांसफर करके आप उनको रिजल्ट देने की कोशिश करें जिनको भी हील करना चाहते हैं। As you're chanting Om Hum Jhum Seh from your third eye, heal those rays, send them to the person that you want to send healing to. आप देखेंगे जैसे आपने रेजेज देनी शुरू की आपने हीलिंग देनी शुरू की आप घर में कभी कभी जहाँ पे भी वो व्यक्ति बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं कैसे कपड़े पहने हैं कैसे घर में स्थिति है कोई थर्ड पर्सन घर में आया है आप देख सकते हो महसूस कर सकते हो और कभी किसी को कहना नहीं है जो महसूस करेंगे कुछ बोल सकते हो थोड़ा बहुत हिंट दे सकते हो ज़्यादा नहीं बोलना ज़्यादा बोलने से शक्ति कम होने लगती है बहुत ज़्यादा कमाई हो जाए तो बोल दें As you give healing, you may see what the other person is doing. You may be able to visualize what color clothes they're wearing. Keep that to yourself, that experience to yourself as much as possible, because sharing that, talking too much about that can decrease your power, your shakti. धीरे धीरे हीलिंग के प्रोसेस से वापस आए आप 10 मिनट की हीलिंग में 4 मिनट भी हीलिंग मिल जाती है तो व्यक्ति को लाभ हो जाता है पर उस 4 मिनट की हीलिंग देने के लिए आपके 4 घंटे भी शुरू शुरू में लग सकते हैं हीलिंग देना बहुत डिफिकल्ट काम है आसान काम नहीं है पर जैसे जैसे आप देने लगते हो आपको आनंद आता है 2 मिनट की हीलिंग देने के लिए भी कभी कभी 2-10-20 घंटे की कमाई होती है और जब किसी को लाभ होता है तो आपको बहुत आनंद आता है आपको बहुत खुशी होती है और दूसरी बात दोस्तों आपसे प्रार्थना करके कहना चाहूँगा हीलिंग देने के बाद कोई क्रेडिट की आशा ना रखें अपने मन के शक्ति हौसले के लिए कर रहे हो अपने मन की शांति के लिए कर रहे हो अगर आप क्रेडिट की आशा रखोगे कोई आपको क्रेडिट देगा इसने मुझे हील किया तो आप 10 दिन में हीलिंग करना छोड़ दोगे आपको लगेगा कि इससे थैंकलेस काम भी दूसरा नहीं You may slowly now come back from the healing process. Giving healing is not an easy thing. It's not something that can be done quickly. To give 2 minutes of healing, that can draw on 2 to 10 hours even of your regular meditation practice, the energy that you build from that. And Guruji highlights that when you go through the process of giving others healing, do not expect for credit. Remind yourself that you are doing this to realize the power and the strength of this and share it with others. If you try to look for credit, it will deplete your energy. धीरे धीरे अपनी ब्रीथिंग को वॉच करने की कोशिश करें. Observe your breathing.
आप सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, सांस के साथ एक हो जाएं, सांस को बहुत बारीकी से देखने की कोशिश करें, महसूस करने की कोशिश करें। Be one with your breath. इष्ट का ध्यान करें, उनके चरणों में सर झुका दें, उनसे और स्पिरिचुअल शक्तियां मांगें। हे माँ मुझे और शक्तियां दो, माँ हे भगवान मुझे और शक्तियों से मजबूत करो कि मैं लोगों का भला कर पाऊँ, माँ मैं जीवन में आगे बढ़ पाऊँ, भगवती महारानी और कृपा करो, और कृपा करो, और कृपा करो माँ। In the next few moments, connect with your Isht Devta. You may put your head, rest your head in their feet, and ask them for more strength, more healing strength. आपके इष्ट आपकी शक्ति आप पे कृपा कर रही है, आपके गोल पूरे हो रहे हैं, आपके संकल्प पूरे हो रहे हैं, आप अच्छे हीलर बनके दूसरों का भला कर रहे हो, अपना भी भला कर रहे हो। और हीलर जो है, स्पिरिचुअल हीलर, वो सर्वगुण संपन्न हो जाता है। आपके जॉब में प्रॉब्लम है उसको भी फिक्स कर सकता है, आपके काम में प्रॉब्लम है उसको भी फिक्स कर सकता है, हेल्थ की प्रॉब्लम है उसको भी फिक्स कर सकता है। उन सब के लिए अलग अलग मंत्र, अलग अलग साधना है, कैसे करना है आपने, उसके लिए आगे बात करेंगे। आप अपने इष्ट की कृपा महसूस करें, उन्होंने आपके संकल्प आपके गोल पूरे पूर्ण कर दिए, प्रेजेंट में उसको फील करें। Your healing strength is increasing. Feel the energy, the shakti, the power that you are receiving from your Isht Devta. Guruji explains that a healer becomes a well-rounded, complete person and can heal all aspects of their lives and help others in doing that too. Thanks kare Mataji ka, Guruji ka. Give thanks to your Isht Devta, to your Guru. Offer gratitude. Mirur Pankh Mudra. Now let's do the Mirur Pankh Mudra. Place your palms gently over your eyes. Keep your back straight. मूल पंख मुद्रा पे आज्ञा चक्रा पे ध्यान रखना है। गुरु महाराज जी का, माता जी का, अपने इष्ट का बहुत थैंक्स करना, बहुत शुक्रिया करना कि आज उन्होंने हमें नया जन्म दिया, नया दिन दिया, साधना करवाई, हीलिंग सिखाई, कृपा की हम पे, और जो कुछ भी जीवन में दिया उसके लिए सब शुक्रिया करना। Focus on your third eye while doing more Pankh Mudra and offer gratitude, offer thanks to your Isht Devta, to your Guru. They've helped you along your path. Your sankalps have become true.
देव के कैंसिल करें। Slowly take your hands back. Open your eyes. अंजलि मुद्रा करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु महाराज माता रानी आप पे बहुत बहुत कृपा करें, आपके गोल पूरे हों, आपके संकल्प पूरे हों, आप साधना में आगे बढ़ें, आध्यात्मिकता के में आगे बढ़ें। बस आपसे इजाजत लेता हूँ, फिर आपके भीतर बैठी हुई माता रानी को भगवान को ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। श्याम के रंग में रंग गई मेरा रस खान तो रस के खान हुए जग से आके बंद करी तो सूरदास ने दरस किए मात जसोदा ब्रज नारी के मात जसोदा ब्रज नारी के माखन चोरी हे दीन दयाल हरी हे कृष्ण गोपाल हरी हे दीन दयाल Om Namah Shivaya 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 Om Nam
शिवा ओम नमः शिवा ओम नमः शिवा नमः शिवा ओम नमः शिवा ओम नमः शिवा ओम नमः शिवा नमः शिवा ओम नमः शिवा ओम नमः शिवा ओम नमः शिवा नमः शिवा ओम नमः शिवा ओम नमः शिवा ओम नमः शिवा नमः शिवा ओम नमः शिवा ओम नमः शिवा ओम नमः शिवा नमः शिवा ओम नमः शिवा ओम नमः शिवा ओम नमः शिवा नमः शिवा ओम नमः शिवा ओम नमः शिवा ओम नमः शिवा नमः शिवाय नमः शिवा नमः शिवा ओम नमः शिवा नमः शिवा ओम नमः शिवा ओम नमः शिवा ओम नमः शिवा नमः शिवा ओम नमः शिवा ओम नमः शिवा ओम नमः शिवा नमः शिवा ओम नमः शिवा ओम नमः शिवा ओम नमः शिवा नमः शिवा ओम नमः शिवा ओम नमः शिवा ओम नमः शिवा 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 ओम नमः शिवा ओम नमः शिवा नमः शिवा ओम नमः शिवा ओम नमः शिवा ओम नमः शिवा नमः शिवा ओम 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 नमः शिवा जय जय मा 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 जय मा जय मा